हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको फिर से एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना बताते हैं, जो बनाने में बिल्कुल आसान है और काफ़ी जल्दी बन जाता है। जिनको नहीं भी आता है वो भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको एक नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना बताएंगे, जिसके लिए दो कलर लिए हैं। आप अपनी पसंद का इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं और इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डोरमेट बनाने के लिए 9 नंबर सिलाई ली हुई है और यहाँ पे ये देखिए मैंने 24 फंदे डाल लिए हैं। यहाँ पे ये देखिए 22 फंदे मैंने इस कलर से डाले हैं और 2 फंदे मैंने मैरून कलर से डाले हुए हैं। और यहाँ पे फंदे डाल के मैंने एक सिलाई बना ली है सीधी और उल्टी इस तरह से। ये देखिए बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक सिलाई बना ली है। आप भी इसी तरह से एक सिलाई फंदे डाल के बना लें। अगर आपने ज़्यादा बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा फंदे इसमें ले सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले पहला फंदा उतारेंगे और दूसरे फंदे पर हमने मैरून कलर से फंदा बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ा चुके हैं, धागा पीछे ही रहने देंगे और धागे को इस तरह से पकड़ लेंगे और हमने दूसरा धागा आगे लाना है और बाकी के फंदे हमने उल्टे बनाने हैं और लास्ट के हम 2 फंदे छोड़ देंगे बगर बुने। बहुत आसान है ये बनाने में और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगता है। ये देखिए लास्ट के मैं 2 फंदे यहीं पे बगर बुने छोड़ देती हूँ और यहीं से सिलाई को पलट के वापस हो जाती हूँ। ये देखिए इस तरह से फंदे को उतार के उल्टी सिलाई को हम उल्टा ही बनाएंगे। जो फंदा हमारा बड़ा हुआ है उसको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। ये देखिए दो दो करके हमने ये 22 फंदे छोड़ने हैं जो हम इस कलर से डाले हुए हैं। सभी फंदे हमने छोड़ने हैं। ये देखिए यहाँ पे हम उल्टी सिलाई पे इस तरह से धागे को पकड़ेंगे और मैरून से बना लेंगे। अब हम सीधी सिलाई पे हैं। सीधी सिलाई पे फिर से ये देखिए ध्यान से आप पहला फंदा उतारेंगे और धागा आगे करेंगे। धागा आगे करके यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरह से एक फंदा बढ़ाना है। किसी भी तरह से आप फंदा इसमें बढ़ा सकती हैं जिस तरह से आपको आता है और ये इसको हम उल्टा बना लेंगे। जो फंदे बढ़ते हुए जाएंगे सभी को उल्टा बनाएंगे। पीछे धागा और ये वाला धागा आगे कर लिया है और यहाँ पे हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे और लास्ट के 2 फंदे फिर से छोड़ेंगे। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे 22 फंदों को दो दो करके छोड़ूंगी और 11 फंदे यहाँ पे बढ़ाऊंगी। ये देखिए फिर से मैंने लास्ट के 2 फंदे छोड़ दिए। इसी तरह से हम सभी फंदों को छोड़ लेते हैं और यहाँ पे मैरून कलर पे 11 फंदे बढ़ा लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको 11वां फंदा, मैंने 10 फंदे बढ़ा लिए हैं। 11वां फंदा हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये देखिए हम 11वां फंदा बढ़ा लिए हैं। तो ये रेड कलर के 11 फंदे बढ़ चुके हैं और हमने 22 फंदे दो दो करके लास्ट के छोड़ दिए हैं सभी। ये देखिए तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ये दो दो करके यानी कि 22 फंदे सभी छोड़ दिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब हम यहीं से वापस हो जाएंगे रेड कलर, सॉरी मैरून कलर को उल्टी तरफ से सभी फंदे बना लेंगे यहाँ से। तो मैंने उल्टी तरफ से सभी फंदे यहाँ पे बना लिए हैं। ये देखिए और ये 11 फंदे बढ़ चुके हैं यहाँ पे। अब ये देखिए हम सीधी तरफ हैं,
यहाँ पे 22 फंदे दो दो करके छोड़े हुए हैं और 11 फंदे यहाँ बढ़ा लिए हैं। इसके बाद हम ये देखिए यहाँ से 11 फंदे बंद करेंगे, ये देखिए इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और ये देखिए 11। तो वापस दो फंदे रेड के ही रह गए हैं, सॉरी मैरून के ही रह गए हैं, और 11 फंदे हमने यहाँ से ये देखिए बंद कर दिए हैं। पीछे हम धागा कर लेंगे और जो फंदे हमने छोड़े हुए हैं सभी को हम यहाँ से ये देखिए बना लेंगे इस तरह से, सारे फंदे में बना के यहाँ से लास्ट तक कंप्लीट करूँगी। ये देखिए ये सभी फंदे में बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स हमने सभी फंदे बना लिए हैं, ये देखिए इस तरह से, और ये पत्ती हमारी बनके कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आसान है, किसी भी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हमने सभी फंदे बना लिए हैं, वापस हमारे ये देखिए 24 ही फंदे रह गए हैं। अब ये देखिए यहाँ से हम इसमें ये मैरून कलर लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से पत्ती को हम बदलेंगे, तो यहाँ पे हमने मैरून कलर लगा दिया है और आगे के जो दो फंदे हैं उन्हें हम इस कलर से बनाएंगे। उल्टी सिलाई पे हम कलर को चेंज कर दे रहे हैं और वापस हम फिर से यही पत्ती को बनाएंगे। 22 फंदे दो दो करके छोड़ने हैं और 11 फंदे बढ़ाने हैं इस तरह से ही। तो यहाँ पे ये देखिए मैं 22 फंदों को बना लेती हूँ मैरून कलर से। यहाँ पे 22 फंदे हमने मैरून कलर से बनाए हैं और आगे के दो फंदे हम इस कलर से बना लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे ये वाली पत्ती हम इस कलर से बनाएंगे और यहाँ पे ये पत्ती हम मैरून से बनाएंगे। इस तरह से ही हम पूरा डोरमेट बना के कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल आसान है। फिर से हम दोबारा यही पत्ती को बनाएंगे जिस तरह से हमने आपको ये बताई हुई है, बिल्कुल आसान है ये। तो हम पूरा डोरमेट कंप्लीट करते हैं फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये डोरमेट बनके कंप्लीट है, हमने इसमें 8 कलियाँ बनाई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कलियाँ बनके कंप्लीट हो गई हैं। और ये देखिए चौकोर शेप में भी आ रहा है ये देखिए, और इस तरह से फ्लावर शेप में भी ये देखिए, और काफ़ी सुंदर लग रहा है और बनाने में तो बिल्कुल आसान है। और आप इसके ऊपर कोई भी कलर का इस तरह से पोम पोम्स लगा लें ये देखिए, तो इससे और ये काफ़ी सुंदर हो जाता है। तो किसी भी तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।